दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पहाड़ों पर पाया जाने वाला काफल एक ऐसा फल है जिसे गर्मियों में खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में मिलने वाला खट्टा मीठा रसीला फल काफल बाजार में उतर आया है। इसे पहाड़ी फलों का राजा भी कहा जाता है। अभी काफल की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। इसके पेड़ ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं और लुभावना गुठली युक्त यह फल गुच्छों में लगता है। गर्मियों में थकान दूर करने के साथ ही तमाम औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आयुर्वेदिक चिकित्सक संस्थान मंडी के डॉक्टर ओमराज शर्मा कहते हैं, काफल कहे या कटफल, इस जड़ी बूटी का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आयुर्वेद में सदियों से काफल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। काफल एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी होता है जिसका फल थोड़ा ब्लैकबेरी की तरह दिखने में होता है। उन्होंने कहा कि काफल प्रकृति से कड़वा, तीखा, गर्म और लघु होता है। यह कफ और बात को कम करने वाला तथा रुचिकारक होता है। इसके साथ ही शुक्राणु के लिए फायदेमंद और दर्द निवारक भी होता है। आजकल बाजार में काफल काफी मात्रा में देखने को मिल रहा है और बहुत ही आकर्षक फल, लाल रंग का फल, और गर्मियों में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक हर गर्मियों के सीज़न में काफ़ी जो है मार्केट में आता है और 300-400 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। जहाँ तक इसके औषधीय गुण की हम अगर बात करें तो आयुर्वेद को लेके करें तो ये पित्त शामक है। गर्मी के दिनों में जो पेट में जलन, चक्कर आना और भूख कम लगना, पेट में कीड़े होना, तो इस तरह की जो समस्याएँ होती हैं उसके लिए काफल का प्रयोग बहुत ही उचित है। और ख़ासकर इसलिए कि आप देखोगे कि ये जो गर्मी का मौसम जब भी होता है तो इसमें अधिकतर जो है वो अतिसार यानी कि डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग की बात हम करते हैं, डिहाइड्रेशन की। तो ये अगर काफल का यूज़ आप कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसमें पोटासियम और क्लोराइड और सोडियम की मात्रा भी पाई जाती है। और दूसरे जिस तरह के ट्रेस मिनरल्स होते हैं या मिनरल्स की हम अगर बात करें तो वो भी सारे इसमें उपलब्ध रहते हैं। जिंक हुआ आपका, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध रहती हैं। आयुर्वेद में इसको प्यास के लिए, जो पितज प्यास होती है यानी कि उसमें थ्रस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगती है गर्मियों के दिनों में, तो उसमें इसका शरबत बना के जो है वो यूज़ किया जाता है। इसकी जो छाल है वो, इसकी छाल को अस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। और आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो इसमें बनाई जाती हैं, जिसमें प्रमुखतः अगर आप देखें तो पुष्यन उपचूर्ण एक बनता है जो कि महिलाओं के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक और थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है वो लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक दाना जो है वो निकाला जाता है पेड़ों से, और जो निकालने वाले लोग हैं वो इसकी प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं लेते उसको निकालने में, तो उससे भी क्या होता है कि कंटामिनेशन हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तो आप विशेष इस बात पे ध्यान दें, और इस हर सीज़न में, इस सीज़न में खासकर विशेषतः काफल का प्रयोग आप करें। अगर दूसरी तरफ देखें कि सरकार अगर चाहे तो इसके लिए इंडस्ट्री बेस्ड जो है वो फ्रूट्स के ऊपर भी काम कर सकती है, जिसमें कि इसका शरबत, ताकि ये लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। हिमाचल की पहाड़ियाँ हों या उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हों, ये हर जगह पे पाया जाता है। वहीं काफल विक्रेता जगदीश ने बताया, काफल निकलने में बहुत समय लगता है और एक एक दाना इकट्ठा कर इसे मंडी में बेचने के लिए लाया जाता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।